चौथे लोग ही ऐसी चौथेपति जगहों पर शादी करते हैं। अगर मेले साले की बेटी को हाँ बोल दिया होता तो सगाई उदयपुर के महल में होती और बकिंगम पैलेस में शादी हो जाती। अभी भी टाइम है दीदा, बोले तो फोन घुमाऊं। आइए संधि जी, नमस्ते। आइए जमाई राजा। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आइए आइए। अरे वाह कमाल है, लड़की गायब हो गई। दीदा शादी से पहले लड़की भाग गई। अरे कोई जाकर देखो, लड़की खिड़की से कूद के भाग गई। मैंने पहले ही कहा था हमारे खानदान की लड़कियां मंगनी के वक्त लड़के के साथ नहीं बैठती हैं। सदियों से हमारे परिवार की यही परंपरा रही है। अरे समधी जी इसकी बातों को छोड़ो, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। काहे की परंपरा, मेरे साले की बेटी होती ना तो दोनों अब तक गार्डन में बैठकर गुतगू कर रहे होते। इसीलिए तो मैंने उस रिश्ते को मना कर दिया था। कोई अकल दो इसको। मैं पहले कह चुका हूँ, क्या आप भी ना जी बार, ये लड़के वाले तो हद पार कर रहे हैं। दूल्हे के दोस्त वहाँ खुलेआम सबके सामने शराब पी रहे हैं। अभी ये हालत है तो बाद में क्या होगा? बुरी आदतें हर किसी में होती हैं, पर बैंक बैलेंस सबके पास नहीं होता। महंगी से महंगी शराब का बंदोबस्त करो। काम करो, दूसरा बैच में धुल लो। थैंक्स। एक मिनट, ये लो। हाँ हेलो भाभी जी, कैसी हैं? हेलो। ए, तेरे घर के जश्न को आज मैं मातम में बदल दूंगा। हेलो हेलो। अपनी बेटी की मंगनी पर बहुत खुशी हो रही है ना तुझे? एक घंटा रुक, तेरी मौत पर सब रोएंगे। तेरी मौत क्या? अरे गणेश। हाँ जी जी। मैं आईजी से मिलने जा रहा हूँ, तुम मेहमानों का ख्याल रखो। ठीक है, मेरे साथ चलो। आईजी साहब मैं आप ही से मिलने आ रहा हूँ। कोई मुझे फोन पे धमकियां दे रहा है। क्या कहा? किसने किया ये? इन सवालों का जवाब तो तुम्हारे पास होना चाहिए। वो तो जीजा जी की किस्मत अच्छी थी कि साले की गन जाम हो गई। अगर जीजा जी को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा देता। सर प्लीज नाराज मत होइए, मैं उनकी सिक्योरिटी डबल कर देता हूँ। अपनी बेकार सिक्योरिटी अपने पास ही रख, हम खुद ही कुछ कर लेंगे। मैं तेरे पुलिस वालों को भेज रहा हूँ। सर प्लीज। जीजा जी ये पुलिस वाले किसी काम के नहीं है, अब से आपकी सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता जीजा जी। मेरी मैयत पर कौन खुशियां मनाना चाहता है? कौन है वो? हे प्रभु, हमें आखिर किन गुनाहों की सजा मिल रही है? कोई तो होगा जो हमें इस मुसीबत से बचाएगा। कोई तो होगा, कोई तो होगा, कोई तो होगा, कोई तो होगा। भीम। We'll be right back.
आचार्य जी, तू रिहर्सल कर रहा है, डरा रहा है मुझे? सिर्फ मैं बोलूंगा, बाकी खामोश। भूल गए किस तरह सीता को दुर्योधन उठा के ले गया था? कृष्ण की गलती है, लक्ष्मण रेखा ठीक से नहीं बनाए। अच्छी क्वालिटी का पेन इस्तेमाल करता तो शायद रेखा मिटती नहीं, मैं परमानेंट मार्कर इस्तेमाल करता। ज्यादा खरीदता तो सस्ते मिल जाते। दुर्योधन ने जो किया सो किया, लेकिन रावण ने सबके सामने द्रौपदी का चीर हरण किया। ये सब कंस के इशारे पर हुआ। काश तब चक्रधारी गणेश प्रकट हो जाते। अगर ऐसे डायलॉग तूने शो में मारे तो पब्लिक तेरे को जूते मारेगी। हमारा फ्लो मत तोड़ो। कुरुक्षेत्र का मैदान याद है, जहां मुगलों और कौरवों में युद्ध हुआ था? उस वक्त महाराणा प्रताप होते तो खेल खत्म हो जाता, सम्राट अशोक से भी काम चल जाता। उस वक्त मेरे जैसा स्मार्ट कोई नहीं था। मैं ऐसी चाल चलता कि एक ही झटके में मैच खत्म। हम लोग हीरो और वो लोग जीरो बनते। जो हुआ सो हुआ, लेकिन उस वक्त अकबर लड़ाई से एब्सेंट क्यों था? क्या उसने ना आने का कोई सिक लीव दिया था? किसी और को भेज देता, कुछ ले दे के लड़ाई खत्म कर देता तो लोचा नहीं होता। लगातार लड़ाई चलती गई और आखिर में जो जीता वही सिकंदर हुआ। भाले चले, गधे चले, कितनी तलवारें चली, कितने कटे, कितने बटे और कितने ऊपर पहुंचे। इसे रोका जा सकता था अगर ढंग की प्लानिंग होती। द होल थिंग इज दैट भैया, कि लड़ो लेकिन प्यार से और मरो लेकिन वार से। सीता माता को उठाकर दुर्योधन ने मिस्टेक ही नहीं, एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया था। उस वक्त अगर मैं प्रेजेंट होता तो दुर्योधन को सिर पर टप्पू देके फैसला ऑन द स्पॉट कर देता। हे राज, अपने अजय रोमियो की वाट लग गई है, कुछ गुंडे उसे धो रहे हैं। दुराचारी, अब कलयुग के महाभारत में एंट्री मारनी पड़ेगी। प्यार का बुखार चढ़ा। बोल, आप प्यार करेगा? हाँ, हम दिल दे चुके सनम। शाहरुख, मस्ताना शाहरुख, फैन ऑफ यशराज। प्यार का बुखार चढ़ा। बोल, आप प्यार करेगा? हाँ। काहे को हाथ उठाने का, प्यार से समझाने का ना। छोड़ दे भाई, घर के दूर है। अरे हाथ हटा, चुम्मा लेगा क्या? ए शाहरुख के डुप्लीकेट। लड़कियों की फेयरनेस क्रीम लगाने से कोई शाहरुख नहीं बनता। चल छोड़ दे उसे। छोड़ दूंगा, मुझे मेरी सिमरन दे दे। अबे सिमरन को तो अजय उड़ा ले गया, अब बोल। मुझे तो बस रोमांस करना आता है, लेकिन मेरे लड़कों को हाथ पैर तोड़ना आता है। ये रो रहा है कि हंस रहा है? पूछ क्या हूँ क्या? ये टाइगर तेरे DDLJ के भूत को किक मार कर तुझे दबंग 1 to 10 दिखाएगा। क्या लगता है तू यहाँ का बिग बॉस है? ए करीम। हाँ गरीबों के एसआर के। जरा जाके इस मल्टी कलर हीरो का कलर ब्लैक एंड व्हाइट करके आ। अगर तू इसका कलर बदलने में कामयाब हो गया तो मैं तुझे 1000 रुपया दूंगा, वरना ये तुझे 2000 देगा। क्या ऑफर दिया है? अरे मुझे मारना, मेरे को पैसा कमाना है रे। मेरे को पैसा कमाने का मौका मिले अभी, मारना। अरे मारना भाई। सालो, तुम लोगों ने मुझे समझ के क्या रखा है? मारना मारना, अब पड़ेगी एक एक को। आजा बेटा। गब्बर, इस गूंज की गूंज तुम्हें सदियों सुनाई देगी। कॉन्शस
जीप गिटार पोस्टर भाड़े के टट्टू लेके कॉलेज में गाना गाएगा। चल 1000 रुपए निकाल दे इसको, चमन चोटी ले। अबे बोला ना ले। शर्त घोड़ों पर लगाई जाती है, शेरों पर नहीं। समझ में आ गया, ये गदा ओरिजिनल है। सिर्फ गदा और गट्स ही नहीं, नाम भी ओरिजिनल है, राज। मेरी कोई गलती नहीं है भाई, लड़की मुझे देखकर हंसी, मुझे लगा हंसी तो फंसी। अच्छा पद्मा कहाँ हो तुम, ये क्या हो रहा है? ये तो बैठ बे। आदमी की कामयाबी के पीछे जैसे औरत होती है ना, वैसे ही दो आदमियों के झगड़े के पीछे भी औरत का ही हाथ होता है। बात में दम है ना? ए पद्मा थोड़ी क्लैरिटी दे यार, ये वाला या वो वाला? We are just friend. I love your friend. आ? तेरी तो निकल पड़ी। DDLJ का तो कभी खुशी कभी गम हो गया, ये तू रख उसे वो रखेगी। बेकार में इतना खर्चा करवाया, गिटार कोट पोस्टर, ये क्लैरिटी पहले ही दे देती, पता नहीं मेरी DDLJ कब बनेगी। अब तो यश जी भी नहीं रहे। वाह 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 वाह, क्या सेंटी वाली लाइन झाड़ी है तूने यार, ये नहीं तो कोई और सही खुशी मना। खुशी तो अजय मना रहा है। मेरा जू देखो इस मैगजीन में क्या लिखा है, हर रोज सिगरेट पीने से अपनी उम्र कम होती जाती है, अभी भी कहता हूँ छोड़ दो। मैंने तो कब का छोड़ दिया है, मैगजीन पढ़ना ही छोड़ दिया है दोस्तों। साथ में आवारागर्दी करना भी बंद कर दो। अंकल जी मैं आई कम है ना अंकल जी? और कितना अंदर आओगी, बच्चों देखो ये हमारी नई पड़ोसन है, पढ़ाई में नंबर वन है, हर साल अपने क्लास में फर्स्ट आती है। सही कहा ना? हाँ हो आंटी, आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है, जो फर्स्ट नहीं आता ना वो पीछे रह जाता है। ओ आप ना मुँह मिठा करो, मेरे वीर जी ने नई गड्डी खरीदी अमेरिका में। अमेरिका में कहाँ रहता तुम्हारा भाई? शिकागो। डिलीवरी वहाँ हुई और मिठाइयाँ यहाँ बांट रही हो, ना इंसाफी है। इन आवारा लड़कों के साथ रहना बंद करेगा तो तू भी अमेरिका जाएगा। हाँ मेरी माँ भी यही कह रही थी, इन लफंगों का साथ छोड़ दे कलेक्टर बन जाएगा, चपरासी का होगा। वैसे भी मैं अमेरिका जाके क्या करूंगा माँ? इसके भाई को देख, अमेरिका जाके सेट होके कार भी खरीद ली है। वहाँ कार खरीद कर खुद की गाड़ी का ड्राइवर बनने से अच्छा है यहाँ मैं अपनी बाइक के लिए इसे ड्राइवर रखूं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आंखें बड़ी मत कर खाना ठूस। हाँ मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। मैंने ठीक कहा ना मायावती? आए हाय मायावती नहीं जी, गोलू गोलू गुलाटी, एकदम गोलगप्पे जैसे। अरे नाम में क्या रखा है, ये बताओ कितने परसेंट आए तुम्हारे? 99 out of 100 आए जी, मेरी तो ना भूख ही मर गई है, पर इस बार मैं पूरे 100 लाऊंगी। अरे बस कर, अब क्या रुलाएगी मुझे? तुझे कितने मिले हैं? 37 पास। तो इंटेलिजेंट कौन हुआ? मैं। इसने 100 के लिए मेहनत की और 99 लेके आई, मैंने 36 के लिए मेहनत की और 37 लेके आया। इसे मार्क खोने का दुख है, लेकिन एक मार्क ज्यादा लाने का गम मुझे भी है। गम इस बात का कि इसका एक मार्क मुझे मिल गया। चलो यार कोई मेरा दुख समझता ही नहीं है। आइंस्टाइन जिंदा होते तो आज फिर मर जाते। देखो ना इतनी बारिश हो रही है फिर भी कलेजे को ठंडक नहीं पड़ रही है, कोई मलम लगाने वाली मिल जाए। मलम किस लिए, मक्खन लगवा लेना। क्या हो रहा है बेरोजगारों? बारिश में फीलिंग खेल रहे थे, तू अपनी फीलिंग बता। ऐसी बारिश में तो मेरे दिमाग में एक ही सीन आता है, एक आलीशान गाड़ी हमारे पास आके रुके। गाड़ी आ गई यार। अब उस गाड़ी के अंदर से एक खूबसूरत हुस्न की परी नजाकत से उतरनी चाहिए। सपने से निकल रियलिटी में आ, पीछे मुड़। ड्रीम सीक्वेंस तो हिट है यार, कुछ और भी मांग ले। अगर अभी बारिश रुक गई ना तो मैं इसे जोर से झप्पी मार लूंगा। तेरा नसीब इतना अच्छा नहीं कि बारिश बंद हो जाए। ऊपर वाला नीचे की सेटिंग में सपोर्ट कर रहा है। चल अब काम पे लग जा राज, मंडली जमा करने का वक्त आ गया। मेरे
मेरे इरादों को गलत मत समझिएगा, कुछ गुंडे मेरी जान के पीछे पड़े हैं। किधर गया साला? कहां गया? सर फोड़ दूंगा इस साले को। छोड़ेंगे नहीं साले को। हेलना मत, वो तुम्हारे पीछे ही है। मिल गया ना तो टांगे तोड़ देंगे। अब क्या होगा? दिल की धड़कनें तेज हो रही है। भाई लोग वो देखो खंभे को चिपक के खड़ा है। पीछे मत मुड़ना, वो तुम्हें ही देख रहे हैं। कौन कमबख्त मुड़ना चाहता है। थैंक यू वेरी मच, आज मुझे ये झप्पी देकर आपने मेरी जान बचाई है। मैं ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? इंसान ही तो इंसान के काम आता है, इसमें एहसान की क्या बात है। बाय बाय। ये क्या नाटक है? ये तो तुम्हारी जान के दुश्मन थे ना, अब दोस्त बन गए। पक्के दोस्त? कैसे? हाँ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लड़ झगड़ कर जिंदगी बर्बाद मत करो। पैदा करने वाला ब्रह्मा, जन्म देने वाली अम्मा, मत करो मरने मारने का ड्रामा और सुधार लो अपना कर्मा। यही डायलॉग मैंने ड्रामा कॉम्पिटिशन में बोला था तो मुझे फर्स्ट प्राइज दिया था। कुछ लड़कियों ने फ्लाइंग किस भी दी। आपको भी वैसा रिस्पॉन्स देना है तो दे सकती है। क्यों बे? नाटक कंपनी के डायलॉग चिपका कर मुझे पटाने की कोशिश कर रहे हो? देख लूंगी। कब देखेंगी? देखिए ना, मैं यही हूँ। हेलो। हाँ सेक्रेटरी बोल। तेरी माँ दादी, कॉल मी बेबी, बेबी बॉबी डॉल। क्या रे छमिया हो, फ्री टाइम में गेम खेल रही हो? बॉडी मेरे जैसा मेंटेन करो, मेरी तो तुम दोनों सुनते ही नहीं हो। तुम्हारी उम्र में 250 लड़के मेरे पे लट्टू थे, अब तुम्हारी शादी होने वाली है, क्या सोचेगा लड़का? दीदी ये हमारी केयरटेकर है या फिर हम इनके, अपनी तारीफ करते थकती ही नहीं है। मिस्यू जानू सच्ची। इसको क्या हुआ, फोन को किस क्यों कर रहा है? अरे इसकी आइटम गांव गई है इसलिए फोन पे ही काम चला रहा है। उसका स्कोर क्या हुआ? सेंचुरी मार चुका है। अगर वो कल वाली लड़की लाइफ में आ जाए तो मैं भी सेंचुरी पे सेंचुरी मारूंगा। काश वो दिन जल्दी आए। उसके लिए या तो बारिश होनी चाहिए या कोई रोमांटिक गाना बजना चाहिए। गाना भी बजने लग गया लेकिन वो लड़की। बंटी बाइक को किक मार। मैडम यहां पर नो पार्किंग है। ए छोटा सचिन इधर आ। Well, this little man is the nearest thing to Bretman there's ever been. What a player he is. But he's going to finish this off quickly. Have a look at that shot. Oh, he's hit this one, Miles. Right shot. Oh, it's a biggie. अबे कुत्ते कमीने, किसका नंबर चिपका के आया है? यहाँ टेंशन से जान सूख रही है। यार उस नंबर में बहुत सारे सिक्स थे। डबल सिक्स था क्या? हाँ। मेरा दे दिया। बिल्कुल करेक्ट। कांच तूने तोड़ा, नंबर मेरा चिपका के आ गया, तेरी वजह से मैं फंसूंगा। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था यार। मैडम किसी ने हमारी गाड़ी का कांच तोड़ दिया। हेलो आपकी गाड़ी का कांच टूटा है ना? हाँ भैया। यार उसका फोन है। हेलो। आपने गलती से मेरी गाड़ी का कांच तोड़ा इसलिए नंबर लिखा? गलती से नहीं, जानबूझ के तोड़ा है। What?
क्यों? तुमने नो पार्किंग में कार पार्क क्यों की थी? उससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी कार समाज के बनाए उसूलों के खिलाफ खड़ी थी, इसीलिए मैंने वो तोड़ दी। तो अपना नंबर क्यों लिखा? अगर फिर से नो पार्किंग में पार्क किया ना तो कांच की जगह हेडलाइट होगी। वैसे तुम्हारा नंबर मुझे चाहिए था, इसीलिए पड़ोसी का नंबर छोड़ दिया। थैंक्स फॉर द कॉल। बच्चों, स्विट्जरलैंड बेटर है या बैंकॉक बेटर है? शादी के पहले बैंकॉक, शादी के बाद स्विट्जरलैंड। तो हम स्विट्जरलैंड चले जाएंगे। अरे हाँ, जुबली स्कूल अच्छा है या सेंट पॉल? अबे क्या इस उम्र में स्कूल जाने का सोच रहा है? मेरे लिए नहीं, बे होने वाले बच्चों के लिए। अबे जलेबी की तरह बात को मत घुमा, सीधा पॉइंट पर आना। हे, मेरा उस लड़की पे दिल आ गया है। उस तितली के सामने तो फिल्म की हीरोइनें भी फीकी हैं। और भाई लोग, अपना स्टैंडर्ड भी किसी फिल्म के सुपरस्टार से कम थोड़ी ना है, है ना? बस जानना ये है कि उसने अब तक कितनों का दिल तोड़ा है। हाय शॉट तुसी ओथे मारिया लगया साडे अथे सोणियो हुण ते हां कर दो। नो वे, इधर क्रेडिट कार्ड इधर डेबिट कार्ड, जेब में स्लिप है पर बैंक में बैलेंस नहीं है, इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं है पर तुम्हारा वास्ते एक घर है। मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है। तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। मान यद्र नहीं है उसना यार आन वंत्री यमर गंदने शमरो मान रे तैली तो डूब मरो। जानो तुम जानो मेरी। Excuse me, are you ready for a second marriage? আমি তোকে খুব ভালোবাসি। আমি তোকে খুব ভালোবাসি। মাম্মি পাপাকে ভেজু? আচ্ছা কাই করতেস গা? হো বলনা রে। হে, মই তুমি উম্র মে বড়ি হুম। ইয়ে কিয়া বাত হুই? প্যার মে কোই বড়া ছোটা নি হোতা। আই শপথ মানা লাভ জালা হ্যায়। বাদি কা খন্ডালা? Nonsense। তো ফির খোপ চে মে জা। উসকে পিছে তো রোমিওস কি লম্বি চড়ি লাইন লাগি হুই হ্যায়। कुछ ऐसा करना होगा कि मेरा थोबड़ा उसके दिल के अंदर रजिस्टर हो जाए। कुछ सोचना होगा। सानी धापा मगरे। बेटा हम मंदिर जा रहे हैं, घर का ख्याल रखना। अंकल जी मिठाई। हे भगवान, पंजाब का ढाबा फिर धावा बोलेगा। अब भाई ने क्या खरीदा बेटा? 100 में से 100 आए हैं जी, मैंने तो फट्टे चक देते। उनको भी खिला दो बेटा, शायद थोड़ी सी अकल आ जाए हमारा कहीं के। हटो भाई लोग, लॉरी आ रही है। आजा आजा जी लड्डू। अरे इतनी क्या जल्दी है, तुम पहले बैठो। अच्छा गुलाटी, तुमने अपने होने वाले पति के बारे में कुछ सोचा है? पति मतलब घर वाला। पहले पता होता तो गूगल पे सर्च करके आती। सिगरेट ना पीता हो, शराब को हाथ ना लगाता हो, और रोज सवेरे चप्पियों और पप्पियां देके मुझे उठाए। ओए मथे पे उल्लू दे पट्ठे, और ऑफिस से जल्दी कार आके मक्की दी रोटी बना के मुझे अपने हाथों से खिलानी होगी। वाओ, कितनी घरेलू हो तुम। सच्ची जी, थैंक यू जी। खाना भी उसी से बनवाएगी। फिर रात को ना। रात को मेनू छोटी बच्ची की तरह लोरी गा के उसे सुलाना होगा। बस इतना ही। इस बोरी का बोझ उठाने के लिए 2.5 किलो का हाथ ही चाहिए। अबे मेरी किस्मत थोड़ी फूटी है। ओवर एक्टिंग की औलाद, ज्यादा समझ में आता है, ज्यादा समझ में आता है। तो चुपचाप बैठ। एक बात याद रख, आज के बाद फिर कभी यहाँ 100 out of 100 लाने की खुशी में गुलाटी की मिठाई लाई ना तो तेरी फाइनल एग्जाम की हॉल टिकट पर अपनी फोटो लगाकर मैं एग्जाम दूंगा। नो जी नो। गोलू यस। नो। चीटिंग करने के इल्जाम में तुम्हें अंदर कर देंगे और बेचारा तुम्हारा भाई अमेरिका के एयरपोर्ट पर तुम्हारा वेट करता रहेगा। यस। हेलो, मैं ना एक सियापे में फंसी हूँ, आई विल कॉल यू बैक। कौन थी? कॉलेज फ्रेंड है? तुम कौन सी कॉलेज में पढ़ती हो? मैं नहीं दसूंगी, मेरी हॉल टिकट चुराना चाहते हो ना, कॉलेज का नाम क्या बताओ? अरे मेरी पावली कम पड़ोसन, तुम बताओ या ना बताओ वो तो मैं चुराऊंगा ही। तुसी अद्दा ना करो, बताती हूँ। बंटे पेन और पेपर लेकर कॉलेज का नाम नोट करो। ठीक है, सेंट फ्रांसिस कॉलेज। रब जी मेरी ना तो अनुई करदास है जी, मैं फर्स्ट आना चाहती हूँ, पूरे 100 में से 100 मार्क्स लाना चाहती हूँ, और कोई भी मेरे से आगे ना निकल सके, कोई फर्स्ट तो क्या सेकंड भी ना आए, बस इतनी अरदास। सेकंड तो क्या, मैं चाहती हूँ सब फेल हो जाए जी, ना रहेगी कंपटीशन, ना होगी मुझे कोई टेंशन, है ना। तू इत्थे क्या कर रहा है? तुम्हारी फ्रेंड को टाइटली हग करने के लिए। मैं कंप्लेंट कर दूंगी। मैं हॉल टिकट चुरा लूंगा। ओह नो। यस। देखो उसे तुम्हारे पीछे आने को कहो। ये मुश्किल नहीं ना मुमकिन है। देख रानी, मनुष्य फैसला कर ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता, अब्दुल कलाम ने कहा था। आज इंसान आसमान में चांद को झप्पी दे रहा है तो क्या मैं तुम्हारी दोस्त को झप्पी नहीं दे सकता? ट्राई करके देखूं क्या? नो जी, इतना ना करो जी, प्लीज जी, प्लीज, नो नो नो।
क्या पंगा? प्रभु बचा ले, ये पापी नहीं जानता ये कितना पिटने वाला है। वैसे तुम्हारा कांच मैंने ही तोड़ा था। अरे यार, मेरी दोस्त को इतना क्यों परेशान कर रहे हो? छोड़ दो प्लीज। बस ये मेरे साथ एक फोटो खिंचा ले, फिर मैं गुल हो जाऊंगा। फोटो? फोटो किस लिए? खिंचवा ले ना, इससे पीछा छूट जाएगा। प्लीज। ए, चला जा। हाँ आया भाई। पूरी तैयारी के साथ आए हो? करना पड़ता है मैडम। ए, क्या लग रहे हो? क्या कहा, कंधे पे हाथ रखूं? अपने मन की बात मेरे मुंह से सुनना चाहते हो? बेचारे की नौकरी चली जाएगी। रखने दे, पतली थोड़ी हो जाएगी। खींच ले। मेरे मम्मी पापा ने ये फोटो देखी और मन ही मन तुम्हें अपनी घर की बहू मान लिया है। तुम्हें घर पे चाय पे बुलाया है। Don't act too smart. I don't need to act. I'm already smart. क्यों है ना? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं भी ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। लड़कों में हाई क्लास मॉडल हूँ। Only one piece available. आ गले लग जा। मुझे एक बात बताओ, प्यार का मतलब दो दिलों का मिलन है या तन की प्यास बुझाने का जरिया? बोलो। लगता है ये भी ड्रामा में काम करती है। कम ऑन, चुप क्यों हो? तन की प्यास बुझाने का जरिया या दो दिलों का मिलन? तन की प्यास बुझती है तो मन को बहुत खुशी मिलती है। Disgusting. अरे रुक जाओ, ये तो कुदरत का नियम है। बैठिए। साले साहब, सिक्योरिटी पर हमें बहुत ध्यान देना होगा। तलाशी लेने के बाद ही किसी को अंदर छोड़ा जाएगा। शादी के कार्ड के साथ ये एक्सेस कार्ड भी दिया जाएगा। कार्ड नहीं तो एंट्री नहीं। इस कार्ड के बिना दूल्हे तक को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। क्या चाहती है? पर इतनी सिक्योरिटी। बिजनेस की वजह से मेरे कई दुश्मन बन गए हैं। अक्सर बुरे लोगों के पास भरपूर पैसा होता है, लेकिन सारे पैसे वाले बुरे नहीं होते। मेरी बेटी का फोन है। हाँ बेटा बोलो। पापा, यहाँ एक लड़के ने मेरा जीना हराम कर दिया है। जब देखो मेरा पीछा करता रहता है। उससे तंग आकर मैंने आपको फोन किया है। फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। दीदी कहाँ है? हाँ दीदी यही है। हेलो। मेरी प्यारी बच्ची कैसी है? अच्छी है ना? ठीक हूँ पापा। शादी की तारीख पक्की हो गई है, जितनी जल्दी हो सके घर आ जाओ। ठीक है पापा। ए, कोई बच्चियों को परेशान कर रहा है, उसका कुछ करना पड़ेगा। अपने आदमी भेज के उसका इलाज करो। उड़ा दे साले को। जवान लड़की के साथ अक्सर ऐसा होता है। कॉलेज का लौंडा है, हाथ पैर तोड़ के छोड़ दो। क्या बोला? आपकी बेटी को किसी ने छेला और आप सिर्फ हाथ पैर तुलवाएंगे? अरे अगर मेरा साला होता ना तो उसको मलवा दिया होता अभी तक। छोटे मोटे लफड़ों के लिए अगर मैं लोगों को मारता तो सगाई के दिन तुम्हारा सर धड़ से अलग होता। राज, 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 डायरी, डायरी। मेरी जिंदगी। आह, टाइटल भी जबरदस्त है भाई। ये मेरी जिंदगी की कहानी है। इस डायरी को चुरा कर पढ़ने वाले तेरा मुंह काला। इमोशनल मत हो, ये सिर्फ डायरी है। हर आदमी की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है और औरतें कामयाब आदमियों के पीछे भागती है। समझदारी की बात की बच्चा, चल आगे पढ़ना। मेरा राजकुमार घोड़े पे सवार होके आएगा, किसी की परवाह नहीं करेगा। वो बादलों की फौज के साथ आएगा और मुझे तारों के बीच ले जाएगा। हाइला, दिस इज टू मच। ये फिल्में बहुत देखती है। घोड़ा तो चौपाटी पे मिल जाएगा, लेकिन चांद तारों वाली बात थोड़ी डाइसी है। टेंशन मत ले, रात को पटाना। पता नहीं कहाँ रख दी, यही पर तो थी। छे, इस घर में किसी में डिसिप्लिन नहीं। क्या हुआ मेरी बाबी डॉल, क्यों चिल्ला रही हो? क्या बात है बताओ? लुट गई मेरी जिंदगी, मेरे सब कुछ, मेरे चैन, सब कुछ बर्बाद हो गया। हुआ क्या है ये तो बताओ। डायरी, मेरी जिंदगी, मेरा प्यार। उप्स, अगर इन्हें पता चला कि मैंने वो डायरी गुमा दी तो। Oh,
में सवार होकर आएगा। दादी आप बाहर क्यों आ गई? आओ आओ शहजादे आओ उतरो। सुबह से आज कुछ कमाई नहीं हुई, एकदम सही टाइम पर आए हो। जल्दी से अपना लाइसेंस निकालो, आरसी बुक निकालो और हमको चेसिस नंबर भी लिखवा दो। नहीं है तो 10,000 फाइन भरो। तुम लोगों से स्मार्ट तो मेरा ये घोड़ा है, तुम्हारी अकल घास चरने गई है? घोड़े पे कभी चेसिस नंबर होता है क्या? मैं अपनी राजकुमारी को ढूंढने निकला हूँ, किसी घोड़े पर मत रोको, मैं उसे अपने घोड़े पर भगा कर लाऊंगा। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है, मुझे किसी की परवाह नहीं। जिसे किसी की परवाह ना हो। ये जानू मेरी जान है और मैं इसका राजकुमार। कितना शरीफ लड़का है, एक बार इससे मिलना चाहती हूँ। नहीं दादी ये शरीफ लड़का नहीं है, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। तू जानती है तो फिर एक बार उससे मिलाना। दादी आई वॉन्ट दैट क्यूट लिटिल हॉट बॉय, प्लीज प्लीज एक बार प्लीज डू मी दिस फेवर। नो अब तो पान वाले ने भी उधार देने से मना कर दिया। अरे राज आकांक्षा आ रही है, मतलब प्लान स्मूथली काम कर रहा है, सब साइलेंट हो जाओ। ए सुन, वो पास आते ही बकबक शुरू कर। ओके। अरे यार राज ये तुझे आजकल हो क्या गया है, बोलना। घोड़े पे सवार होके तू पुलिस वालों से लड़ गया, आखिर बात क्या है? आकांक्षा के प्यार का नशा मुझ पर चढ़ा हुआ है मेरे दोस्त। आजकल दिल धड़कता भी है तो आकांक्षा की याद में, उसकी याद नहीं तो धड़कन नहीं। हाँ, कुछ ज्यादा हो गया। एक्सक्यूज मी, अब तो उसकी आवाज भी सुनाई देने लगी। राज रेडियो बंद कर, बेकार में फीलिंग्स जाग रही हैं। तुम यहाँ वापस क्यों आई हो, अब मैंने क्या कर दिया? प्लीज ऐसा मत कहो, आज रात मेरे घर डिनर पर आओगे? मुझे जहर खिला के मारने का प्लान है? नहीं मैं तो। अच्छा घर पे गुंडे बुला के मुझे मारना होगा ना, समझ गया। जो हुआ उसे प्लीज भूल जाओ, उस दिन तुम्हें घोड़े पे सवार देखा। क्या देखा? कंटिन्यू। उस दिन तुम घोड़े पे सवार थे और ट्रैफिक पुलिस से बहस कर रहे थे तो काम बन गया। क्या? नहीं नहीं कुछ काम था पहले, लेकिन सबसे पहले तुम्हारा डिनर। एक्चुअली मेरी दादी माँ। खाना चाहे तुम बनाओ, तुम्हारी दादी बनाए बंदा खाने पे हाजिर होगा। लेकिन मेरी दादी माँ जो है। कुछ बातें डिनर के बाद के लिए भी बचा के रखो ना। थैंक्स। मिशन डायरी सक्सेसफुल होगी। पक्का होगे ना? तुम्हें मेरी दादी की कसम। हाँ आऊंगा आऊंगा पक्का, जाओ। ये बार बार दादी दादी क्यों कर रही थी? माँ बाप दूर होते हैं तो दादा दादी पास आ जाते हैं, फैमिली अटैचमेंट है यार, फिल्में नहीं देखता क्या? वो मुझसे मिलने आएगा ना? वो जरूर आएगा, मैंने उसे दादी की कसम जो दी है। हट पगली, मेरी तो सांसें फूल रही है। वो जरूर आएगा दादी। लगता है वो आ गया। हेलो एक्सक्यूज मी प्लीज कम इन, आइए। नाइस हाउस, बैठिए। थैंक यू। वो तैयार हो रही है, बस अभी आती ही होगी यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच। तुम जूस लोगे या ड्रिंक? नो नो नो। ये है मेरी दादी, मतलब बाबी डॉल, बेबी बाबी डॉल। कैसी लग रही है? तुम्हारे लिए सजी है। मेरे लिए सजी है, लेकिन क्यों? देखो ना हम दोनों के कपड़े कितने मैचिंग हैं। मेरे कपड़ों से मैचिंग? Why? Actually, मेरी दादी 1942 से एक लव स्टोरी लिख रही है। अच्छा। लेकिन उनकी डायरी कहीं खो गई है। oh. हाँ, उस डायरी को इन्होंने नाम दिया था मेरी जिंदगी, बेचारी दादी। ओके 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 ओके। नॉट ओके, नॉट एट ऑल ओके। दादी डायरी लिखती है? मुझे भी कुछ बोलने दोगी या नहीं? डायरी खोने का गम नहीं है क्योंकि मुझे अब मेरा ड्रीम बॉय मिल गया है। घोड़े के पैसे वेस्ट हो गए। किसने डायरी का किया? किसने दिया था? दादी से शादी करवाओगे?
क्या हुआ, अपने फ्लैशबैक में चले गए? नहीं, फ्यूचर में। क्यों ना एक ड्रिंक हो जाए, जस्ट अ ग्लास ऑफ वाइन। कोई ऑप्शन है? चीयर्स। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक डांस हो जाए। क्या कहा? वन डांस, जस्ट वन डांस। बाबी डॉल की खातिर प्लीज। अगर एक बार फ्लाइट टेक ऑफ कर लेती है तो दरवाजा खोल के आत्महत्या भी तो नहीं कर सकते। स्टार्ट द म्यूजिक। मेरे साथ ताल से ताल मिलाकर ठुमका लगाना इतना इजी नहीं है। वही आंखें। वही चेहरा। मेरे ब्लैक एंड व्हाइट दिनों में मैं एक महान इंसान से प्यार करती थी जिनकी शक्ल तुमसे मिलती है, लेकिन मुझे पता चला कि वो शादीशुदा है, इसलिए मैंने शादी नहीं की, कुंवारी रह गई। और आज तक हूँ, मेरी शादी हुई होती तो मेरा भी तुम्हारी उम्र का एक पोता होता। दादी। कोई मुझे दादी बुलाए वो मुझे पसंद नहीं, लेकिन तुम्हारे मुंह से एक अलग खुशी मिलती है बेटा। अपनी इस बूढ़ी दादी को मिलने आते रहोगे ना? वैसे भी मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगी। ऐसा मत कहिए दादी। अब मैं सोने जा रही हूँ, तुम खाना खा के जाना। हाँ, हमें अब तक यही लगता था कि दादी बहुत मॉडर्न है। उनका दूसरा पहलू तो हमने कभी देखा ही नहीं। पता नहीं था कि एक रॉकस्टार दादी का दिल किसी के लिए धड़क रहा है। इनके साथ रहने के बावजूद भी हम इन्हें कभी नहीं समझ पाए। उनकी फीलिंग्स को समझने के लिए और उनके सपने पूरे करने के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। चलो डिनर करते हैं। नहीं, फिर कभी। आज दिल भर गया। ये क्या है दादी? मुझे लगा आप रात को डिनर या डिस्को लेके जाने की बात करेंगी, पर ये मंदिर में क्यों लेके आ गईं? मैं क्या करूं? कितनी बार इन लड़कियों से कहा बिगड़ो बिगड़ो, लेकिन ये बिगड़ती नहीं। दादी, मुझे भी विद्या की शादी में ले चलो ना। क्यों, तुम्हारा वहाँ क्या काम है? एक बार तुम्हारी शादी हो जाएगी फिर तुम्हारे साथ वक्त कैसे बिताऊंगा। आई एम गोइंग टू मिस यू। तुम मुझे मिस करोगे? सुबह से और कोई मिला नहीं? दादी, यहाँ आओ ना प्लीज। आई दादी। दादी अब ठीक तो है? कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। 1, 2, 3। देखा दादी, मैंने कैसे आपका दर्द दूर किया। मैं आपको शादी में हरगिज़ जाने नहीं दूंगा। ये क्या आपका ख्याल रखेंगी? मैं आपका ख्याल रखूंगा। ज्यादा हीरो मत बनो, टाइम पे पहुँच जाना मेरी शादी में इसके साथ। ओ छोटू, बात सुन, जा दो लस्सी दे के आओ थे, जा। आप लोग ऑर्डर करो, मैं आता हूँ। हाँ। एक चीज सैंडविच ले आइए। ये
हैव अ सिप। गुड। को चेक करना। हाँ भाई। तुम लोग जाओ, मैं पार्क करके आता हूँ। ठीक है राज। एक्सक्यूज मी सर, सर कार्ड सर। हेलो, जानता नहीं मैं कौन हूँ। सॉरी सर, विदाउट कार्ड किसी को भी एंट्री नहीं है। अरे कोई इसको कार्ड दिखाओ रे। थैंक यू सर। अब क्या लड़के वालों को भी एक्सेस कार्ड दिखाना पड़ेगा? अच्छा हुआ शादी से पहले उन्होंने राशन कार्ड या आधार कार्ड नहीं मांग लिया। एक्सक्यूज मी सर, सर कार्ड सर। सॉरी सर, हमें ऑर्डर है, बिना कार्ड कोई अंदर नहीं जा सकता। इट्स ओके। सॉरी सर। राज। एक्सक्यूज मी सर। राज रुको। सॉरी सर। सॉरी राज, प्लीज कम। प्लीज अंदर आइए। प्लीज। सॉरी, प्लीज कम। अरे नो प्रॉब्लम। अरे ललका देखो कितना बड़ा हो गया है, इसके लिए कोई लड़की वलकी देखी कि नहीं? आजकल अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं। अरे मैं हूँ ना, मेरे साले की एक कलाक बेटी है। बड़ा एहसान है तुम्हारा मुझ पर, पता नहीं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ। मेरा फर्ज था, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। तुमने मेरी बेटी को नहीं, मेरी जिंदगी को बचाया, मेरी जान को। हमारी बच्ची को किसी ने छेड़ा और तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया, उसकी जान नहीं ली। किसी को जान से मारना मेरी फितरत नहीं है। किन बातों में उलझ गए आप, जाइए फ्रेश हो जाइए। कौन बोल रहा है? तेरी मौत, साले कमीने। ढाबे में तेरी बेटी पर हमला मैंने ही करवाया था। पहली बार तो तू हमारे हाथों से बच गया था, इस बार तुझे पूरी प्लानिंग के साथ मारेंगे। इस बार एक घंटे में तेरी मौत पक्की। हेलो हेलो, क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं, बेटी की याद आ गई। बेटी घर से विदा हो तो बाप की आंखों में आंसू होने चाहिए, चेहरे पर टेंशन नहीं। क्या हुआ बताइए? बिजनेस की छोटी मोटी बातें हैं। छोटी मोटी बात? ढाबे पर आकांक्षा पर हमला होना छोटी मोटी बात नहीं है। शादी के वक्त घर में रिश्तेदारों से ज्यादा बॉडीगार्ड्स होना छोटी मोटी बात नहीं है। सिर्फ एक फोन आने से आपके चेहरे का रंग उड़ जाना छोटी मोटी बात नहीं है। बताइए अंकल। मरेंगे सब के सब, मेरे हाथों ही मरेंगे। अंकल, आकांक्षा ने आपसे ना कहा हो पर मुझे उससे प्यार है। आकांक्षा और उसके परिवार के लिए मैं अपनी जान दे भी सकता हूं और किसी की जान ले भी सकता हूं। अंकल, मैंने लाइफ कभी सीरियसली नहीं ली, क्योंकि जब मैं सीरियस होता हूं ना तो भारी पड़ जाता है। उन्होंने एक घंटे का वक्त दिया है ना, मैं एक घंटे के अंदर उन्हें अपनी असली औकात दिखा दूंगा।
राज की बात पे कभी डाउट मत करना। जीजा जी, हम यहाँ क्यों आए? किसी के डर की वजह से यहाँ वहाँ भागते फिरेंगे, बुजदिली दिखाएंगे? इसे बुजदिली नहीं, समझदारी कहते हैं। लड़के वाले अब यहाँ से जा चुके हैं, तो तुम वहाँ रुक के किसकी पहरेदारी करते हैं? और जो वहाँ औरतें हैं उनका क्या? उनका टारगेट घर की औरतें नहीं है। इससे पहले भी अंकल को अकेले बाहर बुलाकर उन पर हमला किया गया और अब दोबारा फोन किया है। उन्होंने 1 घंटे की वार्निंग दी थी क्योंकि वो उस जगह को अच्छी तरह जानते थे। लेकिन ये एक नई जगह है, यहाँ हमला करने से पहले 10 बार सोचेंगे। अगर उन्होंने यहाँ आने की गलती कर दी ना, तो उनमें से एक भी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। इस नए छोकरे पर इतना भरोसा कर रहे हैं? हम किसी काम के नहीं, ये अकेला क्या करेगा? कभी क्रिकेट मैच नहीं देखा क्या? प्लेयर्स चाहे जितने भी आते जाते रहें, टेंडुलकर हमेशा टेंडुलकर रहता है। मतलब? हर बात डिटेल में कैसे समझाऊं? जंगल में चाहे जितने भी खतरनाक जानवर हो, शेर की एक दहाड़ से सारा जंगल थर थर कांप उठता है। हेलो। अपनी जिंदगी जितना जीना चाहता है चीले, हम तेरी आंखों में मौत का खौफ देखना चाहते हैं। तेरी मौत हमारे ही हाथों लिखी है। ए, कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? धमका रहे हो? तूने क्या सोचा हम डर जाएंगे? जिसको मारना होता है वो बार बार फोन करके गीदड़ भपकिया नहीं देता, वो अपनी आंखों में खून भर के तलवार उठाकर एक ही बार में मार देता। Come on.
पहचान हमें, याद कर कुत्ते। पावर प्लांट के लिए जिसे मैंने मरवाया था, क्या तुम उसके बेटे हो? गलत, याद कर। रोड कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए जिस परिवार को मैंने मरवाया था, क्या तुम उसके बेटे हो? तूने इतने पाप किए हैं कि तेरे पापों का घड़ा भर गया है। तुझे मारूंगा तो मुझे पाप नहीं लगेगा। आदित्यपुरम याद है या नहीं? वहां के मासूम बेगुनाह लोग याद हैं? अमृता याद है या नहीं? अमृता, मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया गलत किया, गलत, लेकिन मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। सिर्फ भगवान ही इंसान को माफ करता है। मैं भगवान नहीं और शैतानों को माफ करना मेरी फितरत नहीं। मम्मी ने चाय पे बुलाया है। दादी, मुझे अपने साथ ले चलो ना। जेंटलमैन, दैट्स इट। जिनका कत्ल हुआ है वो कोई मामूली आदमी नहीं थे। मुकेश प्रभु नाम था उनका, एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर और इंडस्ट्रियलिस्ट। यह ऑफिशियल खबर है। अनऑफिशियली उनकी पहुंच ऊपर तक थी, पॉलिटिशियंस तक। ये केस बहुत ही उलझा हुआ है, इसको हल्के में मत लेना। यस सर। इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद उनका कत्ल हुआ, कातिल मामूली नहीं है। पढ़ाई के चक्कर में मैं ज्यादातर हॉस्टल्स में रही हूँ, अपने पापा से दूर। अब पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन अब पापा नहीं है। मेरे पापा कहा करते थे, आदमी जितना अमीर होता है उतने ही उसके दुश्मन होते हैं। सॉरी आकांक्षा, मैंने अंकल को बचाने की पूरी कोशिश की। छोड़ूंगा नहीं, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। नहीं राज, मेरे पापा तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन अगर मैंने तुम्हें भी खो दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। ये है आदित्यपुरम, मेरा गांव। दूसरों की इतनी फिक्र मत करो, कभी अपने बारे में भी सोचो। आदित्यपुरम यानी राजित्यपुरम यानी रोशनी। इंग्लिश में कभी बात नहीं करोगे, कभी बात। ये तो एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं। दादाजी, दारो इंसाफ, दो इंसाफ, दो इंसाफ। ये क्या राज, मैंने तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा। दादी फोन पे फोन किए जा रही है, बिन बताए यहां चलाया, ये क्या तरीका हुआ यार। हेलो, क्राइम ब्रांच से मैं एसीपी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मुझे आपसे आपके पापा के मर्डर के बारे में कुछ बातचीत करनी है, कल हम मिल सकते हैं? ओके सर। Okay,
Sorry for the disturbance, guys. Hi, I'm Avinash, Special Investigation Officer, Crime Branch. You are under arrest. Hey, मजाक करना बंद करो. Raj, I'm really sorry. ये हमारे फैमिली फ्रेंड है. पापा का केस यही इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. ये मेन विटनेस से मिलना चाहते हैं, इसलिए यहाँ ले आए. कल रात फोन पे मुझे भी इसी तरह डराया था. Nice to meet you. Hello. ओए, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो. या हमें सिखाया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में मेन विटनेस को बिल्कुल अपराधी ही मानना चाहिए. मैं तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता था, लेकिन तुमने तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किया. रिएक्शन वो लोग देते हैं जिनके दिल में चोर हो. तुम्हारा नंबर मिलेगा? ये फोन नहीं रखता, मुझे भी पड़ोसी के नंबर से पटाया था. वेरी स्ट्रेंज, आदमी आज मंगल पे जाने की कोशिश कर रहा है और ये भाई साहब फोन भी नहीं इस्तेमाल करते. वेरी सरप्राइजिंग. मेरे बारे में और भी कई सरप्राइजेस हैं, आप धीरे धीरे जान जाएंगे. मैं किसी से मिलने के लिए इजाजत नहीं मांगता और मुझसे मिलने के लिए इजाजत नहीं चाहिए. My God, तुम ऐसे नहीं फंसोगे. फंसते तो कच्चे खिलाड़ी हैं. I mean, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं. ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन तुम्हारे पास बात करने का वक्त ही नहीं, इसलिए इसे अपने पास रखो. आपसे कहा ना मैं फोन नहीं रखता. अरे ये लेटेस्ट है, गेम गेम खेलेंगे. See you soon. मुकेश प्रभु पर पहले भी एक हमला हुआ था, वो भी जानलेवा. जी हाँ सर, उनकी बेटी की सगाई के वक्त हुआ था. पता लगा उस हादसे का चश्मदीद गवाह कौन था और उसमें घायल कौन कौन हुआ था. किसी को मत छोड़ना, हर छोटे से छोटा क्लू हमारी नजरों से बचना नहीं चाहिए. मुझे यहाँ क्यों बुलाया? एक्चुअली बात यह है कि अविनाश तुमसे अर्जेंटली मिलना चाहता था. पापा के केस में उसे कोई बड़ा क्लू मिला है. इन्हें पहचानते हो? कमाल है, अच्छे से देखो. इन्होंने पहले भी अंकल पर अटैक किया था, तब ये दोनों कामयाब नहीं हो पाए थे, इसलिए दोबारा अटैक किया होगा. इन्होंने ही मारा है. पहली बार ये दोनों कामयाब नहीं हुए, लेकिन सबकी नजरों में आ चुके थे, इसीलिए दूसरी बार इन्होंने किसी तीसरे को भेजा. नाइस अप्रोच. मैं एक पुलिस ऑफिसर की तरह सोच रहा था और तुम एक क्रिमिनल की तरह. क्रिमिनल किसे कहा? अरे बुरा मत मान, मेरे कहने का मतलब था. क्या मतलब था? क्या मतलब था? एक तो मुझे यहाँ बुलाते हो, ऊपर से इंटरोगेशन करते हो. बाहर में जाओ तुम और बाहर में जाए तुम्हारा फोन. खुद को आंखें समझते क्या हो? मुझे क्रिमिनल कह रहे हो? प्लीज काम डाउन. कैसे आकांक्षा, मेरी आंखों के सामने अंकल को मारा गया. मैं कुछ नहीं कर पाया, बस खड़े खड़े. उनकी मौत आज भी आंखों के सामने नाच रही है और ये पुलिस वाला, क्या करूं मैं? सॉरी राज, आई एम रियली सॉरी. तुम भी फैमिली मेंबर की तरह हो. सॉरी, प्लीज रिलैक्स. पूरा माहौल गर्म हो गया है ना. एक काम करते हैं, कहीं जाके लंच कर लेते हैं साथ में, मेरे खातिर प्लीज. मैं पुलिस की गाड़ी में कहीं नहीं जाऊंगा. मैं तेरी गाड़ी में आ जाऊंगा, अब तो मान जाओ. पाजी सत श्री अकाल. जरा साहब का बायोडेटा तो बताना. पाजी ये तो सबके बाप है जी. हेलो आकांक्षा. वन मिनट, आ रही हूँ. यू नो, हमारे परिवार चाहते हैं कि आकांक्षा और मैं शादी कर लें. थोड़ी एज गैप है, लेकिन आजकल की लड़कियां भी यही चाहती हैं कि उनका पति सेटल्ड हो. देखते हैं. कॉन्ग्रेट्स. कॉन्ग्रेट्स? ये क्या कहा, तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ क्या? आई मीन, मुझे लगा कि तुम दोनों के बीच में कुछ. जब फीलिंग्स ही नहीं है तो फील क्यों होगा? ओह आई सी, नो फीलिंग्स. वैसे तुम आकांक्षा को जानते कैसे हो? आई मीन, तुम दोनों तो एक कॉलेज के भी नहीं हो. मेरी पड़ोसन गोलू गुलाटी और आकांक्षा एक ही कॉलेज में है, उसी के थ्रू. गोलू गुलाटी ने तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाया था या खुद ही इंट्रोड्यूस हो गए थे? गोलू ने ही करवाया था. अच्छा, लेकिन आकांक्षा से मिलाने को मना करने पर तुमने गोलू की हॉल टिकट चुराने की धमकी क्यों दी थी? इस बात को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं? मैंने तो कैजुअली जोक किया था.
कैजुअल जोक्स हो या सीरियस फाइट, दोनों अच्छा कर लेते हो तुम। शादी में हथियारबंद पहलवान थे, सिक्योरिटी टाइट थी, सब मारे गए सिवाय तुम। ग्रेट। मारने और जान लेने में फर्क होता है। मारने वाला गुस्से में और जान लेने वाला बदले की आग में चलता है। उस आग के आगे 100 लोग भी नहीं टिक सकते। ऐसा आदमी अपने आप में वन मैन आर्मी होता है। अनस्टॉपेबल। तुम अकेले नहीं हो, दो और लोग हैं। उनका स्केच तैयार होते ही हमने उनकी इन्फॉर्मेशन निकाली। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में बहुत जानकारी मिली। बाबा बाबा रे, एक्टिंग करना तो कोई तुमसे सीखे। हैट्स ऑफ। ऑस्कर नहीं, लेकिन इस साल का फिल्म फेयर पक्का। मेरी और आकांक्षा की झूठी शादी के बारे में बताकर तुझे उकसाने की भी कोशिश की, लेकिन तेरे चेहरे का रंग उड़ा नहीं पाया मैं। अभी आकांक्षा इस टेबल पर आए इससे पहले सरेंडर करेगा तो अच्छा है, वरना मजबूरन मुझे शूट करना पड़ेगा। पिताजी को मारा है। अपनी जगह से हिला तो इसे भी मार दूंगा। मेरा मिशन पूरा नहीं हुआ, कुछ दिन बाद मैं खुद सरेंडर कर दूंगा। सी यू अगेन ऑफिसर। तू कानून के हाथों से बच नहीं पाएगा। हेलो कंट्रोल रूम। मैंने तुम्हें जाल में फंसाया, मैंने तुम्हारा भरोसा जीता, रात दिन प्लानिंग करने के बाद मारा है मैंने तुम्हारे बाप को। उसे तो मैं तुम्हारी बहन की सगाई में मार देता, साला बच गया। और तो और उसने मेरे साथियों को देख लिया, इसीलिए मुझे शादी तक रुकना पड़ा। इतने नेक इंसान को मारने से पहले तुम्हारे हाथ नहीं कांपे। तुम्हें क्या पता मेरे पापा ने कितने लोगों की मदद की। एग्जैक्टली। और तुम नहीं जानती तुम्हारे बाप ने लोगों के साथ क्या किया। मैं जानता हूँ। तुम्हारा बाप तो इतना कमीना था कि पैसों के लिए साले ने अपने बेटे की मौत तक को बुला दिया था। अगर तुम जानना चाहती हो कि अच्छाई क्या होती है तो हमारे गांव आदित्यपुरम जाकर देखो। उस छोटी सी दुनिया में गांव वाले खुशी से जिंदगी बसर कर रहे थे। सूरज की पहली किरण थी मेरी अमृता। बैंगलोर में हमारा घर और बहुत बड़ा बिजनेस था। बड़े भैया बिजनेस संभालते थे और मैं हैदराबाद में पढ़ाई करता था। बचपन में ही हमारे माँ बाप गुजर गए। दादाजी ने हमें पाला पोसा था। जल्दी जल्दी हलवा खाओ, फिर लड्डू भी खाना है तुम्हें। ये क्या है भाभी, बर्थडे दादाजी का और आप मुझे खिला रही हो, क्या है दादाजी? राज, तू यहाँ सिर्फ मेरे बर्थडे पर ही आता है। साल भर हमें इस दिन का इंतजार रहता है बेटा। ये छोटे नवाब को क्या पट्टी पढ़ाई जा रही है। चलो चलो ग्रुप फोटो हो जाए। आदित्यपुरम गांव से तुम्हारी माँ का फोन आया करता था बेटा। वो हर साल अपने गांव में रामनवमी का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया करती थी। उनके चले जाने के बाद ये रीति रिवाज तो जैसे खत्म ही हो गए। इस बार मैं वहां जाऊंगा। वाकई बेटा? हाँ दादाजी, उस गांव में मेरी माँ की यादें हैं
मैं वहां जरूर जाऊंगा। और फिर मैं दोस्तों के साथ आदित्यपुरम के लिए निकल गया और वहीं मुझे पहली बार नजर आई अमृता। यार पता नहीं क्यों आज ट्रेन में सफर करते हुए मुझे एक ही गाना याद आ रहा है। इतनी बकबक कर चुका है तो गाना भी बता दे। मुझे मेरे सपनों की रानी दिख गई। अच्छा कहाँ दिखी वो लड़की? वो कोई मामूली लड़की नहीं थी। जैसे ही मैंने उसे देखा सारी दुनिया रुक सी गई। अब मैं आगे का सफर उसकी यादों में खो के बिताना चाहता हूँ। वालों को बैठने तक की जगह नहीं और वेटिंग लिस्ट वालों को सोने के लिए जगह दे दी आपने। अरे इनकी बहुत ऊपर तक पहुंच है, इनके सामने हम एक्शन लेने जाएंगे तो हम ही फंस जाएंगे। सब पैसों का खेल है मैडम। बस गुलामी करते रहो, अमीरों के आगे दुम हिलाते रहते हो। शे, ऐसे लोगों को तो रॉकेट से मार्स पर भेज देना चाहिए। अंकल आप मेरी सीट ले लीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठिए आराम से बैठिए। बड़ा है आप, बड़ा आदमी। क्या रसमलाई है यार, बाहर से मक्खन अंदर से टाइम बम है। मिशन राज की सेटिंग में वक्त नहीं गंवाना चाहिए, मंडली जमाने का वक्त हो गया। मेरे प्यारे अच्छे से एक्टिंग करना। तू बस देखता जा, आज तुझे दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन दोनों एक साथ देखने को मिलेंगे। मुझे कोई मल्टी स्टारर फिल्म नहीं देखनी है, एक हीरो काफी है। एक्टिंग का कीड़ा जाग रहा है, एक्टिंग का कीड़ा जाग रहा है। एक्शन! ये क्या है? बाहरा, बाहरा, मैंने कहा बाहरा। मालिक आजकल तू कुछ ज्यादा ही दिमाग चला रहा है। ये तो कैरेक्टर में आ गया। मैंने तुझे इम्पोर्टेड पानी का बोतल लाने को कहा था, तू लोकल लेके आ गया। लोकल में जो मजा है वो इम्पोर्टेड में कहा मालिक। क्या कहा? एक तो गलती ऊपर से बातें बनती लगा मालिक, हो जाएगा गलती। मैंने सोचा था माली के बेटे को सहारा दे दूंगा, लेकिन तू तो नालायक निकला। साले मेरे बाप को माली बोलता है तू? सॉरी यार। अब ना तो तू इस कंपार्टमेंट में रहेगा ना मेरे लिए कोई काम करेगा। चल निकल 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 निकल, फूट ले यहाँ से। मालिक मुझसे गलती हो गई, ना तू मेरा नौकर ना मैं तेरा मालिक। मालिक आज के बाद तेरी मनहूस शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। क्या बात है? मुझे इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी। ओके। नहीं नहीं, ऐसे ही वक्त पे तो किसी का सहारा चाहिए। चाराने की बोतल के लिए देखा कितना चिल्लाया मुझ पर। वैसे कौन है वो? राजा राव बहादुर के पोते रामचंद्र बहादुर हैं। मतलब ये आदित्यपुरम के हैं, मेरे गांव के। अच्छा, उनको गांव छोड़े हुए कई साल हो गए हैं। तुम कौन हो? ऑल इन वन। मेरा मतलब है चाहे मालिक को पीने के लिए वाटर चाहिए हो या क्वार्टर चाहिए हो, चाहे खाने में मटर चाहिए हो या सोने के लिए चद्दर, उनका सारा काम मैं ही करता हूँ। वो भले ही मुझे नौकर बुलाए लेकिन मैं वफादार सेवक हूँ। अकड़ देखो खड़ूस कहीं का, ट्रेन में सफर करने के लिए भी नौकर साथ चाहिए होता है क्या अमीरजादा? क्या आदा है, इसी से याद आया जब पानी की बोतल खरीदते हुए आपको देखा तब से दिल पानी पानी हो गया। क्या कहा? मतलब टीसी से आपने क्या कमाल की बहस की है। अच्छा अच्छा बैठो ना। आप अपनी फिक्र नहीं करती पर दूसरों की कितनी परवाह करती हैं। आप बड़ी होकर मदर टेरेसा जैसी बनना चाहती है ना? दर्द होने पर तो जानवर भी रोते हैं, दूसरों की तकलीफ में जिसे तकलीफ हो वही इंसान कहलाता है। इन लोगों को और नहीं झेल सकती मैं। अरे कहाँ जा रही हो? रुको सुनो तो। ए, क्या लगा रखा है ये? इस ट्रेन में सभी लोग सो रहे हैं। अच्छा
तो क्यों नहीं सोई अब तक है? मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे समझाने दीजिए, इनका मतलब है कि आप भी सो जाइए। तू कौन है बे? बॉयफ्रेंड? अरे तो भाई होगा, बॉयफ्रेंड तो हम है। ए, क्या बकवास कर रहे हो? तेरी तो गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता सर। आप जाइए ना, मैं इनसे बात करती हूँ। अब जाइए ना, मैं बात करता हूँ। प्लीज सर, इन लोगों को तो मैं पता है आपको मदर टेरेसा बनना है, पर अभी जाइए ना, जाइए। अरे सर कहाँ आप उसके मुंह लगते हैं, आप आइए ना, आइए, गुस्सा थूक दीजिए, सो जाइए सर, आराम से सो जाइए, चद्दर उड़ा दूँ। आराम से सोइए, गुड नाइट सर, कल सुबह मिलेंगे, ओके बाय। वो सारे ही चुप हो गए, ऐसा क्या किया तुमने? बस थोड़ी जान पहचान बढ़ा दी। ओहो, तो तुमने उन्हें बताया कि तुम रामचंद्र बहादुर के लिए काम करते हो? हाँ वही। अच्छा अमृता, वो हमारे स्कूल के मास्टर जी की बेटी है। कलेक्टर से अकेले ही लड़ झगड़ के उसने गांव में सड़कें बनवाई। लड़की नहीं बवाल है, बवाल। अपनी आगे की पढ़ाई के लिए बड़े शहरों में जाने के डर से बच्चे आगे पढ़ते ही नहीं है। क्यों? हॉस्पिटल और पानी की टंकियां आज तक तैयार नहीं हुई है, जानते हैं क्यों? क्योंकि रेत और सीमेंट लाने के लिए यहां अच्छे रास्ते जो नहीं है। हां वही तो, इसीलिए तो देसी पी रहे, क्योंकि शहर जाने के लिए सड़क ही नहीं है। ए माधव, अगर ऐसे ही देसी पीता रहा ना तो सड़क बनने से पहले ही ऊपर का रास्ता पकड़ लेगा। सुबह उठते ही वो गांव की तकलीफें तलाश करने में जुट जाती है। अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो खुद खड़ी कर देती है। उसके घर वाले कुछ नहीं कहते? वो क्या कहेंगे, माँ के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ा है और मास्टर जी किताबों में खोए रहते हैं। दूसरों की इतनी फिक्र क्यों करती है? तुझे भी तो एक दिन शादी करके घर बसाना है। आपकी अमृता और लड़कियों जैसी नहीं है, पापा ने मुझे अलग तरह से बड़ा किया है, है ना पापा? सच कहा बेटा। और सर पे चढ़ाओ, लोग हमसे पूछते हैं बेटी शादी लायक हो गई है, शादी कब करोगे? जिसको जो बोलना है बोलने दो, आई डोंट केयर, मैं अपनी शर्तों पे जीती हूँ। शादी के रिश्ते विश्ते नहीं आए? अरे एक से बढ़कर एक आए, लेकिन मैडम को पसंद कौन आता है? अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़े घर का रिश्ता आया था उसके लिए। कितनी गोरी है। अच्छा ये बताइए, आप शादी क्यों करना चाहते हैं? ये क्या सवाल हुआ? मैं तो बचपन से ही शादी करना चाहता था, वो क्या हुआ ना थोड़ा सा लेट हो गया। शादी मतलब कॉम्बिनेशन, जैसे विस्की और सोडा, बियर और चखना। मुझसे शादी करने के लिए आप में ऐसी क्या खास बात है? 500 एकड़ की जमीन मेरे नाम पर है। आपने खुद खरीदी है? मुझे खरीदने की जरूरत ही क्या है, बाप को दहेज में मिली थी। वैसे मैं तेरे से कोई दहेज नहीं लूंगा। ओहो, तो महीने की कितनी आमदनी होती होगी? वैसे खर्चा पानी कैसे चलता है आपका? फिर से गलत सवाल, गिनने का टाइम किसके पास है? सारा कारोबार घर के नौकर देखते हैं। तो फिर आप क्या करते हो? पूरा दिन तो मैं यही सोचता रहता हूँ कि अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करूँ। वैसे दिन में तो तीन पति से काम चल जाता है, लेकिन रात को छोटे साहब नहीं बताऊं क्या? यानी आप कुछ नहीं करते हो? अरे काम करने की जरूरत ही क्या है? उठो। हा? मुझे ऐसे आदमियों से बेहद नफरत है जो अपने बाप दादा की दौलत भी जीते हैं। उठ, get out, out। जाके तीन पति खेलते हैं। आदित्यपुरम के प्यारे प्यारे लोगों को मेरा बहुत बहुत प्यार। अमृता बेटी अपनी पढ़ाई पूरी करके डायरेक्ट गाँव लौट आई और पहली पक्की सड़क बनवाएंगी हमारे गाँव में। कॉलेज में जब लोग मुझसे मेरे गांव का नाम पूछते हैं तो मैं आदित्यपुरम बताती हूँ। सब हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कहाँ है ये गांव, इसी दुनिया में तो है ना। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया, मैं आदित्यपुरम को ऐसा बनाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। इतना ही नहीं, मैं तो ये भी कहूंगी कि आदित्यपुरम यानी अमृता और अमृता यानी आदित्यपुरम। आदित्यपुरम यानी रोशनी और रोशनी जैसे आदित्यपुरम। माँ मुझे आपसे कुछ कहना है, मुझे अमृता बहुत पसंद है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। जर्नी मतलब सफर। यहाँ से ललित नगर की है एक घंटे की जर्नी। सरपंच जी आप एक वाक्य बनाइए। मुझे जल्दी से करनी है जर्मनी। नहीं मुझे मत मारिए। रामू क्या हुआ? इंग्लिश सीखेगा, इंग्लिश सीखेगा, नौकर होके इंग्लिश सीखेगा, मेरी बराबरी करेगा। सामने आ, छिप क्या रहा है, सुना नहीं दे रहा?
तुझे इंग्लिश सीखने का भूत किसने चढ़ाया? ये भूत तो मुझ पर बचपन से ही चढ़ा था। उल्टा जवाब। क्यों? आपको डर है कि मुझे इंग्लिश आ गई तो मैं आपकी बराबरी का हो जाऊंगा? इसकी ज़बान आजकल कुछ ज़्यादा चल रही है। अरे कोई मुझे एक मिनट रुको। पढ़ना लिखना हर नागरिक का अधिकार है। तुम जैसे लोगों को देख के लगता है कि हमारा देश अब तक आजाद ही नहीं हुआ है। गारंटी देके कहती हूँ कि ये तुमसे बेहतर इंग्लिश बोलेगा। अब जाओ। तू आ हवेली में, मैं तुझे इंग्लिश सिखाता हूँ। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल। बड़ों को नमस्ते, छोटों को कैसे कहे? रामू, सबको अपना नाम बताओ। What is your name? My name is Ramu. अरे रामू, I name is नहीं, my name is Ramu. मुझे इंग्लिश की ई भी नहीं आती, लेकिन हिंदी में मुझे बहुत सारे गाने और कविताएं आती हैं। Very good रामू, जो आता है सुनाओ। रामू, प्लीज फिर से गाना मत गाना, कहीं बच्चों को डर के मारे बुखार ना हो जाए। मालिक ने कहा। ये इस तरफ इशारा क्यों कर रहा है? लगता है पिटवाएगा। मैं आपको गले लगाऊंगा तो आप चिल्ला के डांट के मुझे यहाँ से भगा देंगी, फिर मुझे इंग्लिश भी नहीं सिखाएंगी। यही वो चाहते थे। उन्होंने कहा कॉलेज में ऐसा करते हैं। हाँ, जॉगिंग, जॉगिंग, मेरी जॉगिंग कर रहे थे। अरे जॉगिंग नहीं कहते हो उसे रामू, रैगिंग। आओ मैं उनसे बात करती हूँ। तुम इंसान हो या जानवर? तुम्हें क्या लगा था अगर ये मुझे छुएगा तो मैं इसे डांट के मार के भगा दूंगी? अब ये देखो, चैन मिला? अभी कहाँ? अरे मिल गया, मिल गया, छोड़ दो उसे। अमृता हूँ मैं, संभल के रहना। रामू, आज तुम पढ़ाई करने के लिए मेरे घर पर आ जाना, स्पेशल क्लासेस। ओके। दीदी, एलिफेंट की स्पेलिंग क्या होती है? ELEPHANT। नॉट बैड रामू, तुम्हारी याददाश्त बहुत तेज है। एक बार बताओ और तुम सीख गए। यू आर माय फेवरेट स्टूडेंट। आई लव यू। व्हाट? इसका मतलब क्या होता है? मैं तुम्हें चाहती हूँ। बस कर पगली रुलाई। नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ मतलब बता रही थी। आई लव यू का मतलब होता है मैं तुम्हें चाहती हूँ। ये आई लव यू फाइलो भी फालतू बातें हैं। ये दो कोड़ी का लड़का मेरी बेटी से आई लव यू कहकर शादी करना चाहता है, मजाक है क्या? क्या हुआ घनश्याम, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मेरी बेटी ने एमए पास किया हुआ है, ये 12 में 12वीं बार लटक कर स्टेशन के पास टेलीफोन बूथ चलाता है। आप ही थे जिन्होंने इसे पढ़ा के इस लायक बनाया है, अब आप ही इसे कुछ समझाइए। ऐसा कहाँ लिखा है कि पत्नी को खाना बनाना चाहिए और आदमी को बाहर जाके काम करना चाहिए? शादी के लिए दो लोगों के दिल मिलने चाहिए, उनकी डिग्रियाँ नहीं। जात पात ऊंच नीच मायने नहीं रखते। I love you. सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसे कहते हैं नहले पे दहला। अब हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। देखते हैं अब आप क्या करते हैं। आपका फैसला हमारा फैसला होगा। तेरी इतनी हिम्मत लड़के, हमारी अमृता बेटी से इंग्लिश सीखता रहा और ABCD की जगह इलू इलू करने लगा। कहा है मेरा डंडा? रुकिए, ये इसकी गलती नहीं है, मैंने कभी कोई रोक टोक नहीं की। मैं पहले से जानती थी कि ये मुझे पसंद करता है। क्या ये सच है बेटा? हाँ पापा, मैं भी रामू को बहुत पसंद करती हूँ। इसने मेरे लिए अपने प्यार को अपने अंदर ही दबा कर रखा, कभी मुझे शर्मिंदा नहीं किया, ना ही कभी मेरे साथ बुरा बर्ताव किया है। अगर आज ये इजहार नहीं करता तो मैं कर देती। ऐसा पति मुझे कहाँ मिल सकता है जो एक औरत के मान सम्मान की इतनी इज्जत और परवाह करता हो। पापा, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। जो अमृता की मर्जी वही मेरी मर्जी है। गुरु जी ने कह दिया तो हो गया। चलो तुम्हारे पिताजी से बात करते हैं। क्या बात है रामू? रामू, क्या हुआ अमृता? कुछ नहीं, तुम जब यहाँ आए थे
तब कुछ महसूस नहीं हुआ था, जब जा रही हूँ तो रोना आ रहा है। तो मैं रुक जाऊं? पागल हो तुम? मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और खुशखबरी लेकर आऊंगा। अब जरा स्माइल करो मेरी प्यारी अमृता। देख के तो मेरा मन भी हरा हो गया। मैं तुम्हें हरा भरा करने को ही तो साथ आई हूँ। तेरे में अब रस कहाँ, अब नया फूल चूसूंगा मैं, गांव की कच्ची कली को फूल बनाऊंगा। ए, दिल्ली पार्सल कर दो इसको। कंग्रेचुलेशंस विकी। आइए आइए भाई आइए। कंग्रेट्स फॉर विकी स्टील्स। वैदेही स्टील्स भाई। नाम से ही अरमान जाग गए, उसे एक रात के लिए मेरे पास भेजना। भेजेगा ना? वो नहीं आ सकती, वो मेरी दादी थी जो अब मर चुकी है। ओह, मेरी बदकिस्मती। चलो चलिए। आपका नाम क्या है? विक्रम सिंह उर्फ विकी, लोग यही कहते हैं। विकी नाम दे यस्या ओम इंद्रा स्वाहा ओम अक्षरे स्वाहा ओम जमा स्वाहा। विकी। कौन हो तुम लोग और ये सब क्या नाटक है? ये जमीन तुम्हारी नहीं, इन किसानों की है जो यहाँ खेती करते आए हैं। ये भूमि पूजन अभी का भी बंद करो। हम जमीन के मालिक को पैसे देके एग्रीमेंट साइन करवा चुके हैं। एग्रीमेंट साइन करने के लिए दिया था लेकिन वो साइन हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। तू कौन है बे साले? मैं जमीन के मालिक राजा राम बहादुर का पोता हूँ। ए, हट रे। आने से बिजली कड़क जाए वो तो कहर बरसाएगी। रेन इज फॉलिंग झमा झम झम। क्या हो गया, क्या बात है? इन खेतों पर अगर किसी का हक है तो इन किसानों का है। उन बेचारों को तो ये तक पता नहीं है कि यहाँ पर फैक्ट्री बनने वाली है। अग्रीमेंट पर साइन के बिना ही आप लोग यहाँ भूमि पूजन कर रहे हैं, ये अन्याय कैसे कर सकते हो आप? विके, ये जमीन किसकी है? भूमि पूजन पूरा कर लेते हैं भाई। पहले जनता फिर सारी पाठ पूजा। साइन आज हो जाएगा भाई, ये पूजा इसलिए रखी क्योंकि आप बहुत बिजी रहते हैं भाई। किसानों को यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं बनवानी है सर, एक्चुअली। तुम चाहती हो भूमि पूजन रुक जाए, है ना? हाँ। विके भाई, भूमि पूजन रोक दो। ये क्या कह रहे भाई? ताला रोक दो! हम सब आपके बहुत एहसानमंद हैं सच। ये एहसान वैसान पुरानी बातें हैं, करना तो कुछ मेरे लिए करो। मेरे डैड को वोट दो। शिशा सर, जिंदगी में पहली बार बारिश में भी पसीने छूट रहे हैं तुम्हारी आंखों की आग से। वाह वाह, तुम्हारा जिगरा देख के मैं उसका कायल हो गया। अब तो तू कहेगी तभी भूमि पूजन होगा। क्या बात है, तुमने तो मुझे पूरा हिला कर रख दिया है। मैं तो तुम्हारा फैन हो गया हूँ कोमल। नमस्ते सर। इस हिरनी का शिकार तो पक्का है बॉस। कितनी अच्छी खबर सुनाई है बेटा।
आदित्यपुरम की कोई लड़की अगर हमारे घर की बहू बनती है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। यानी कि माजी का मायका अब तुम्हारा ससुराल होने वाला है। हम सब कल ही वहाँ चलते हैं, अब इंतजार बर्दाश्त नहीं होता। अरे वाह, तो शहनाई की लड़की पसंद आ गई। भगवान बुद्ध ने कहा था कि इंसान की इच्छाएं उसकी मुसीबत की जड़ हैं, लेकिन इच्छाओं के बिना कोई इंसान भी नहीं हो सकता, ये भी सच है। भगवान बनने की इच्छा किसे है, हम तो इंसान ही ठीक हैं। नमस्ते, मेरा नाम है बिल्ला गजपति, मेरे पिता का नाम है उमा गजपति, वो वुमेन्स वेलफेयर के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। मैं सीधा पॉइंट की बात करता हूँ, मेरा तेरी बेटी पे दिल आ गया है। I'm in love. तो मैंने सोचा शादी के पहले तुम्हें बता दूँ। माफ कीजिएगा, मेरी बेटी की शादी तय हो चुकी है। कोई बात नहीं, मेरे पास इसका हल है, ऐसा हल जिससे मेरा काम भी हो जाएगा और आप भी अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर पाएंगे। विके, ये क्या है? पैसा, हर आदमी की जरूरत, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। मुझे तेरी बेटी को हमेशा के लिए चिपका के नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ एक रात के लिए, एक रात के 1 करोड़ रुपए। इन पैसों से ऐसी शादी कर सकोगे कि पूरा गांव देखेगा। निकल यहाँ से, तुझे शर्म नहीं आती? एक लड़की के बारे में इस तरह की घटिया बातें करता है, कीड़े पड़ेंगे तेरे मुँह में बेशरम। रोक 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 रोक, तू भी कम क्यूट पीस नहीं है, क्या उम्र है तेरी, तू भी चलेगी मुझे। तेरे 50 लाख ही दूंगा मैं, यूज्ड पीस होना तो। हाय तैया, लड़की तो सिर्फ खेलने की चीज होती है, चाहे वो साड़ी में हो या जीन्स में है। तो सौदा पक्का? सुनो, जब तुम एक रात के लिए 1 करोड़ रुपया दे सकते हो तो मैं समझ सकता हूँ कि तुमने ये पैसा कैसे कमाया होगा। जरूर तुमने अपनी माँ बहन की दलाली करके ये पैसा कमाया होगा। बेटे, बात खत्म नहीं हुई, ये पैसा उठा के ले जाओ और अपनी माँ बहन को मेरे पास ले आओ। इतनी हिम्मत तेरी? मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज भी और कहा तो तुझे नपुंसक बनाकर छोड़ दूंगा। वेके भाई, अगर तुझे उस जमीन पर तेरी फैक्ट्री चाहिए तो मुझे मेरे बिस्तर पर ये लड़की चाहिए। यहाँ लक्ष्मण रेखा बना दी है,
अगर तुम में से किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है या एक बाप की औलाद है तो इसे प्यार करके दिखाए। है कोई मर्द? उड़ा दो साले को। कौन अबे तो? अमृता का होने वाला पति और मैं उसे यहाँ से लेकर जाने आया हूँ। ऐसे इसके बाप ने बताया था मुझे, तो वो तू है। तेरे ससुराल वालों को मस्त ऑफर दिया था, बेकार में ठुकरा दिया सालों ने। चल अब तेरे लिए भी वही ऑफर, वही रकम, 1 करोड़ रुपए। शादी भले ही तू कर ले, पर हनीमून मुझे मनाने दे। मैं तुझे 10 करोड़ रुपए देता हूँ। तुझे बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ये कहना होगा कि आदित्यपुरम जाने के बाद तू मर्द नहीं रहा। लोगों को भी तो तेरी असलियत पता चलनी चाहिए। तू भाई को 10 करोड़ रुपए देगा? तेरी औकात क्या है? मैं रोशनी मित्तल का छोटा बेटा, इस गांव के जमींदार राजा राव बहादुर का पोता, आदित्यपुरम का वारिस और तुम्हारी तबाही की वजह। भाई, इसे मारने के बाद लड़की आपकी और जमीन मेरी। ए! तुझे तेरी मंगेतर के सामने कुत्ते की मौत मारूंगा। गंगा में जितना पानी है उससे ज्यादा खून हमने बहाया है। ए! अपनी नापाक जुबान से पवित्र गंगा का नाम मत ले। और रही बात मेरे मंगेतर के सामने मुझे कुत्ते की मौत मारने की, तो जितना दम लगाना है लगा लो, पर तुम में से कोई भी मुझे छू नहीं पाएगा। मुझे मेरी माँ की कसम है। नहीं, ऐसा सोचना भी मत। निकल। चप्पल उतारो अमृता, चप्पल उतारो। छी, तुझे बेटा बोलते हुए मुझे शर्म आती है। 200 एकड़ की जमीन, 2000 करोड़ की फैक्ट्री, मोतीचूर के लड्डू की तरह मैंने तेरे हाथ में रखी थी। एक लड़की को इनके बिस्तर पर लाकर पटक नहीं सका। बिल्ला, मैं उसको तुम्हारे गेस्ट हाउस की रानी बनाऊंगा, सिर्फ एक रात के लिए नहीं, जब तक मन करेगा उसे मसलते रहना। आज के बाद उस लड़की को कोई नहीं छू पाएगा, मरेगी साली। ये हुई ना मर्द वाली बात। कौन है वो लौंडा? राजा रामचंद्र राव का पोता, उस जमीन का वही मालिक है। बिल्ला, अभी तुम्हारा यहाँ रुकना कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारे पापा सुबह से 10 बार फोन कर चुके हैं। मुझे मना करने वाली हर औरत और मुझे ललकारने वाले हर आदमी को मौत नसीब होनी चाहिए। उन्हें मरना होगा। बेटी, इसके एक झूठ ने इस गांव से आज 25 साल बाद फिर से नाता जोड़ लिया है। जितना ये तुम्हें चाहता है उतना ही इस गांव और यहाँ के लोगों से प्यार करता है। किसान की तकलीफों को अपना दर्द मान के ये हमारे पास चला आया था। हमने वैदेही स्टील्स का कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया। तुम्हारे करीब आने के लिए मैंने तुमसे झूठ कहा, पर मेरा मकसद तुमसे शादी करना नहीं था। तुम चाहे शादी के लिए हाँ कहो या ना, हमने सारी जमीनें किसानों को लौटाने का फैसला किया है। ये आदित्यपुरम के जमींदार का पोता नहीं, रोशनी मित्तल का बेटा तुमसे कह रहा है। अमृता बेटी, राजा राव बहादुर का पोता तुमसे शादी के लिए पूछ रहा है, इतना सोच कह रही हो? लेकिन तुम्हें मेरे लिए वही रामू बन के रहना होगा जो पहले थे। इंग्लिश में कभी बात नहीं करोगे। मंजूर है, तुम्हारे और आदित्यपुरम के लिए मैं राज नहीं,
हमेशा रामू ही रहूंगा। हाँ तो ठीक है ना, कल रामचंद्र जी की शादी है और परसों हमारे रामू की सगाई है, क्यों क्या कहते हैं भाइयों? यार ये सागर कहाँ है? क्या भाई, ये तो कैरेक्टर से बाहर ही नहीं आ रहा। अरे छोड़ना, वो एक्टिंग कम और बेकार की नौटंकी ज्यादा करता है। हेलो हेलो, दादाजी 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 राज, राज, सागर, 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 किसने किया ये सब? किसने मारा इन्हें? मुकेश प्रभु, मुकेश प्रभु। मुकेश प्रभु का आपको नमस्कार। गुस्से में लिए आपके फैसले से मुझे करोड़ों का नुकसान हुआ है। एक बार फिर सोच लीजिए, मेरा बेटा और आपका पोता दोनों नादान हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? इतना सब कुछ करने के बाद भी बेशर्मों के तरह इनके सामने आके खड़े हो गए। निकलो यहाँ से। मेरे सामने उन्होंने बाबा को बेरहमी से मार डाला। और तुम्हें भी रहम नहीं किया। मैं राजा राव बहादुर के पोते का किरदार ठीक से निभा नहीं पाया। मैं किसी को बचा नहीं पाया। मुझे माफ कर देना राज। सागर, मुझे माफ कर देना। सागर, सागर। हे, यहाँ तो मैंने सबको सुला दिया है, वहां भी सबको खत्म करो। अमृता, अमृता भाग जाओ। हो रही, सबसे पहले उसके टुकड़े टुकड़े करो, चलो। अरे अमृता, अमृता तू जा बेटा, तू जा। भैया, आप इन सबको लेकर यहाँ से चले जाइए। और तुम जाइए यहाँ से, जाइए, जाइए। Thank you.
अमृता अमृता तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें अमृता, अमृता मैं हूं ना कुछ नहीं होगा तुम्हें अमृता, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा अमृता 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 मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा अमृता 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 आंखें खोलो अमृता अमृता तुम्हें कुछ नहीं होगा अमृता आंखें खोलो मेरी तरफ देखो अमृता अमृता मेरी तरफ देखो ना अमृता मेरी तरफ देखो अमृता 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 ये तो एक दूजे के लिए बने हैं, ये अकेला कैसे रह सकता है, इसको भी मौत की नींद सुला दो। जन्म देने वाली माँ की कसम, मुझसे प्यार करने वाली अमृता की कसम, आज तुम में से कोई भी यहां से जिंदा बच के नहीं जाएगा। जो मरना चाहता है आ जाए। दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन तुमने जो रास्ता अपनाया वो गलत है। सरा ठंडे दिमाग से सोचो और ये खून खराबे का रास्ता छोड़ दो। मेरा दिमाग भी मुझसे बार बार यही कहता है, पर दिल कहता है एक एक को चुन चुन के मारो, और मैं दिमाग से ज्यादा दिल की सुनता हूँ। चलो। ये सब क्या है यार, तूने क्यों नहीं बताया कि आकांक्षा मुकेश प्रभु की बेटी है? पहले ये सिर्फ उस तक पहुंचने का जरिया थी, लेकिन अब मैं इसे खोना नहीं चाहता। इसे इसके घर सही सलामत छोड़ दो। बिल्ला गजपति कल अपने बाप के साथ हैदराबाद आ रहा है। वो 11 बजे अपने चार्टर्ड प्लेन से एयरपोर्ट पर उतरेगा। उसके बाद वो 11:15 को मीडिया वालों से मिलने वाला है। दोपहर को वृद्धाश्रम में चंदा देने जा रहा है। शाम को 4 बजे के फ्लाइट से वो वापस दिल्ली जाने वाला है। दिल्ली जाने से पहले उसे दोपहर को कॉलेज फंक्शन में आना होगा। कैसे? ये उसके आज के प्लान में नहीं है। लेकिन मेरे प्लान में है, वो आएगा, उसका प्लान मैं बनाऊंगा। हमारे मंत्री गजपति जी जिंदाबाद, हमारे मंत्री गजपति जी जिंदाबाद, हमारे मंत्री गजपति जी। हे, क्या कर रहे हो? माला पहना रहे हो मुझे या मेरी जान ले रहे हो? 1 by 1। हाँ, पिछले ही महीने सर की हार्ट सर्जरी हुई है।
मच्छर, एक तीर से दो निशाने, मच्छर भी मर गया और सेक्रेटरी भी डर गया। सुन, जब तक टिकट नहीं मिलती कोई गड़बड़ मत करना। मेरे 80 करोड़ दाव पर लगे हुए हैं और हाई कमांड से जरा मिलते रहना और नारी जाति से जरा दूर ही रहना। खंबे पे भी साड़ी लपटी हो तो ये बावला हो जाता है। क्या कहा? मेरे बेटे को कोई जान से मारना चाहता है? एक बात बताओ, तुम पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हो या पोस्टल डिपार्टमेंट में? ऐसी खबर यहाँ आकर देने में तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही? इस बार वो दिख गया तो साले को चीर के रख दूंगा। तेरी तरह कायर नहीं जो खड़े खड़े देखता रहूंगा। निकम्मा हो गया है तू। हे बस कर, मेरे और मेरे बेटे की सिक्योरिटी का जिम्मा तुम्हारा है। सर, सिर्फ धमकी मिली है, इसीलिए तो तुम्हारी जिम्मेदारी है हमारी रक्षा करना। सर 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 सर, फूल पे जैसे भंवरा मंडराता है तुम लोग मुझ पर मंडराते हो। फिर भी तुम लोगों को मेरा नमस्कार। सर, इस तरह अचानक हैदराबाद आने की कोई वजह? वो क्या है ना कि पिछले 3 रातों से मेरे सपने में चार मीनार आ रहा था, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। जर्नलिस्ट हो या खच्चर, नेशनल लेवल कबड्डी चैंपियनशिप शुरू हो रही है, उसका उद्घाटन कैबिनेट मिनिस्टर करेगा या तुम्हारा चाचा? इस आड़ में आप अपने बेटे को राज्यसभा की टिकट तो नहीं दिलाना चाहते? कौन बोला? पिछली बार तो कैमरा चला रहा था, आज सवाल पूछ रहा है। सर, रिपोर्टर मेरे हाथ में माइक देके एडिटर के साथ भाग गई। ऐसे भगोड़े लोगों के चैनल को मैं जवाब नहीं देता। नेक्स्ट। क्या आप भी अपने बेटे को ही मंत्री बनाना चाहते हैं? ये प्रेस मीटिंग यहीं खत्म होती है। बोलो भारत माता की जय। जवाब नहीं दिया। भारत माता की जय। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और मैं जानती हूँ आप मना नहीं करेंगे। मुझे क्या मिलेगा? आजकल पार्टी में पार्टी फंड बहुत कम आ रहा है सर, मैं तो बस अपनी पार्टी की मदद कर रहा हूँ। एक टिकट का 80 करोड़ रुपया, साथ में 1000 लोग और मीडिया का सपोर्ट अलग से। लास्ट मिनट पर सलमान धोखा दे गया, अगर ये शो नहीं हुआ ना। सलमान की जगह मैं कैसे ले सकता हूँ जान, मुश्किल है। वो तो नकली हीरो है, असली हीरो तो आप है सर। वी ऑल आर योर फैन सर। बी, अब ऐसा है, पॉलिटिक्स में हम जैसे गुंडे नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? क्या आप हमारे लिए 5 मिनट नहीं निकाल सकते प्लीज? तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन मेरा क्या? फंक्शन के बाद गेस्ट हाउस में प्राइवेट पार्टी है, ओनली फॉर यू। तब तो मैं जरूर आऊंगा, ओनली फॉर यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। हेलो सर, वो चीफ गेस्ट बनने के लिए तैयार है। बिल्ला, साले ठरकी, मैं जानता था लड़की के झांसे में तू जरूर फंसेगा। तुझे चारा डालकर तुझे यहाँ बुला लिया और तू अपने पैरों पर कुत्ते की मौत मरने चला आया। थैंक्स। ए, ए, जब वो लड़कियां मेरे पास आई तो मुझे उन पर शक होने लगा था। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। मैं यहाँ कोई अकेले नहीं आया हूँ। साला स्टेज पर होगा, ले क्या उसे? क्या हुआ सर? मेरे डैड को किडनैप कर लिया। तू क्या कर रहा था साले? खर्राटे लेके सो रहा था। खतरा आपकी जान को था सर, आपके पिताजी की जान को नहीं।
अपने बाप को जिंदा देखना चाहता है तो अकेले आदित्यपुरम आ जा, वरना आ रहा हूं, वो भी एकदम अकेले। पिछले एक साल से मैं इसी पल के इंतजार में था कि कब तू इस गांव में दोबारा कदम रखेगा, और ये गांव वाले भी तरस रहे थे कि कब तू इनके हाथ लगेगा। मुकेश प्रभु कुमार के तू खुद को हीरो समझने लग गया, मेरे डैड को किडनैप करके और मुझे यहाँ बुलाकर मर्दानगी दिखा रहा है। मुझे तो यहाँ अकेले बुला लिया तूने और खुद गाँव वालों को साथ लाया। मैं अकेला ही हूँ, वादा करता हूँ मेरे अलावा तुझे कोई और हाथ नहीं लगाएगा। तो मैं तुझे उस कॉलेज में ही मार देता, मगर गांव वाले तेरी मौत कैसे देख पाते भैया। हथियार क्यों बे? मैंने आदित्यपुरम की एक चिकनी को छूना चाहा तो तूने बखेड़ा खड़ा कर दिया। अब इस गांव की एक एक लड़की की इज्जत से खेलूंगा और मेरे टुकड़ों पर पड़ने वाली ये पुलिस देखती रह जाएगी। जो उखाड़ना है उखाड़ ले। सर, हमारे देश में गुंडे मवालियों को पुलिस से डर नहीं लगता, बल्कि पुलिस को डर लगता है इन गुंडे मवालियों से। सर, आदित्यपुरम में लोगों के बीच हुए दंगों में मिनिस्टर गजपति और उनके बेटे बिल्ला गजपति मारे गए हैं। पंचनामा की फॉर्मेलिटी पूरी करके आपको रिपोर्ट करता हूं। नेताओं ने जंगल बेच दिए, जमीन बेच दी, स्कैम्स किए, कानून की कमर तोड़ दी, फिर भी आम आदमी चुप रहा और किसी तरह घर चलाता रहा। लेकिन अगर तुमने उसके घर में उसकी माँ बहन पर गंदी नजर डालने की कोशिश की, उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाया, तो आम आदमी चुप नहीं रहेगा।
जब जब इस धरती पर पाप बढ़ेगा तब मुझ जैसे और जन्म लेंगे।